अभी तक हमने सीखा कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। अब आगे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि उसका क्या क्या यूज हो सकता है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड का वैसे तीन यूज होता है, एक होता है रेक्टिफायर के फॉर्म में, दूसरा होता है एम्पलीफायर के फॉर्म में और तीसरा होता है एज ए स्विच, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है और रेक्टिफायर के जैसा पीएन जंक्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। तो रेक्टिफायर जो है यह ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी। ठीक, अब किस तरह से कन्वर्ट करता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो रेक्टिफायर जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए यहां पर एक सर्किट बनाया गया है। देखेंगे यहां पर ये एसी सोर्स है, यहां पर एक क्वाइल लगाया गया है और इधर जो है यहां भी एक क्वाइल है, एक रेजिस्टर है और एक डायोड है, है ना। तो हमें पता है कि एसी सोर्स में करंट का जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होता रहता है ना। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एसी सोर्स की 50 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में 100 बार इसकी पोलरिटी चेंज होती है, 100 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक, जबकि डीसी करंट में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये इस एसी करंट को किस तरह से डीसी में बदलेगा यही हमें यहां पर समझना है। तो देखेंगे इसमें कि जो एसी सोर्स है कभी करंट इधर से फ्लो कराएगा और कभी इधर से फ्लो कराएगा। तो जब ये क्वाइल है, इस क्वाइल से करंट जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसके कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। क्योंकि यहां पर करंट चेंज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो इसमें फ्लो करेगा। ठीक, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन बदल रहा होगा बार बार इस सर्किट में, तो इस सर्किट में भी बदलना चाहिए, है ना। तो होगा क्या कि जब इसमें करंट इधर से जाना होगा, इधर से जाना होगा तो करंट जाएगा, लेकिन जब इधर से करंट जाना होगा तो ये डायोड ऐसे जाने नहीं देगा। तो ये जो सर्किट है जिसमें कि एसी सोर्स लगा हुआ है, इसमें करंट जो है कुछ इस तरह से वेरी करेगा टाइम के साथ में, साइनसोइडली जो है ये वेरी करेगा। और उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसी के कारण से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, देखेंगे कि जब इधर से करंट जाएगा, है ना, मैंने कहा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ये एक सेकेंड में 100 बार करंट का डायरेक्शन बदलेगा, है ना। तो मतलब एक टाइम पीरियड कह सकते हैं कि ये है, आधे टाइम पीरियड में इस डायरेक्शन में करंट जाएगा और आधे टाइम पीरियड में उल्टा डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो ये क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में करंट तो फ्लो करने देगा ऐसे, लेकिन जब इस डायरेक्शन में करंट जाने का बारी आएगी तो ये जाने नहीं देगा, यानी ये वाला जो करंट है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगले टाइम पीरियड का इधर से जाने वाला आधा पार्ट ये फ्लो करने देगा, पास करने देगा, जबकि आधे टाइम पीरियड वाला जो करंट इधर से जाना था उसको ये पास नहीं करने देगा, है ना। फिर अगले टाइम पीरियड का मतलब कहें कि अगला जो ये जो वेव बन रहा है, अगले वाले में ऊपर वाला पार्ट को ये पास करने देगा, नीचे वाले को फिर से पास नहीं करने देगा, है ना। तो चूंकि ये जो है ये एक वेव का आधा पोर्शन तो पास करने दे रहा है और आधा पोर्शन पास नहीं करने दे रहा है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, है ना। मतलब कि आधे टाइम तक करंट तो फ्लो कर रहा है, आधे टाइम तक फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी फ्लो कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये डीसी करंट है। ठीक, अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। ये देखेंगे ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये इसमें भी दो तरह के सर्किट दिखाए गए। एक सर्किट तो वैसा ही है जैसे ऊपर वाला है, तो इसमें करंट बिल्कुल वैसे ही फ्लो करेगा जैसे कि ऊपर वाले केस में फ्लो करता था। ठीक है, अब यहां पर एक सर्किट है जिसमें दो दो डायोड लगाए गए हैं, ये वैसा ही क्वाइल है, एक डायोड इधर से लगाया गया है, एक डायोड इधर से लगाया गया है और ये बीच में रेजिस्टेंस है। इसमें क्या होगा कि जब करंट ऊपर से जाना हो,
तो देखेंगे ये जो करंट है वो ऊपर से जाएगा जा करके, क्योंकि नीचे से नहीं जा सकता क्योंकि ये रिवर्स ब्यास में हो जाएगा, तब ये इधर से करंट नहीं जाने देगा। तो ये जो करंट है वो यहां से आकर के इसमें फ्लो करेगा, यानी ये जो रेजिस्टर है इसमें करंट किधर से जाएगा, इधर से। तो ऊपर से जाने वाला करंट इस रेजिस्टर में इधर से होके जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मैंने इधर से दिखाया उसको, ठीक है, मतलब इसमें करंट ऐसे गया ये वाला पोर्शन, तो इसमें इधर से आया ये वाला पोर्शन। अब अगले आधे टाइम पीरियड में इसमें से नीचे से जाना था, तो इसमें भी उल्टा डायरेक्शन करंट जाना था, तो इसमें से करंट जो जाएगा तो यहां से तो करंट ऐसे जाएगा लेकिन ये करंट इधर नहीं जाने देगा क्योंकि फिर ये रिवर्स बायस में हो गया। तो ये जो करंट है यहां से जाकर के इस रजिस्टर से निकल जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा घूम करके, यानी इस रजिस्टर में अभी भी करंट उधर ही जा रहा है। इधर से घूम करके आया तो राइट से लेफ्ट, इधर से घूम करके आया तो राइट से लेफ्ट, यानी इस रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन अभी भी वही है जो पहले हाफ में था। तो पहले हाफ में ऊपर से करंट हमने लिखा था, तो अगले हाफ में भी करंट सेम डायरेक्शन में, तो इसको भी ऊपर से दिखाएंगे, है ना। इसमें जो नीचे से पोर्शन दिख रहा है इसमें ऊपर से दिखाएंगे क्योंकि रजिस्टर में तो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन से नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में क्या हो रहा है कि ये ऊपर से गया और ये आधा नीचे से गया, इसमें दोनों जो आधा पोर्शन है वो ऊपर से ही है। फिर अगले साइकिल में जाएंगे तो फिर से इधर से आएगा, घूम करके इधर से निकल जाएगा, तो फिर से ऊपर से ही जा रहा है। और जब इधर आधे साइकिल में जाना होगा तो यहां से घूम करके इधर से निकल जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन होगा। तो हर बार देख रहे हैं कि रजिस्टर में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें करंट पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, इसमें हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो और इसमें कोई भी हाफ पोर्शन वाला गायब नहीं है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर का काम क्या है कि जो करंट का डायरेक्शन बार बार बदल रहा था, इसने उस करंट के डायरेक्शन को बदल दिया, है ना। हमेशा एक ही डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करता है और इसलिए ये जो रजिस्टर है, है ना, इस रजिस्टर से होकर के कहेंगे कि डीसी करंट जा रहा है, जबकि इसमें जो है वो एसी करंट फ्लो कर रहा था। पीएन जंक्शन का जो दूसरा यूज होता है वो होता है ट्रांजिस्टर के फॉर्म में। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा था कि जो डायोड है उसको हम लोग रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज करते हैं, फिर एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज करते हैं और स्विच के फॉर्म में भी यूज करते हैं, है ना। तो एम्पलीफायर और स्विच के फॉर्म में यूज करने के लिए हमें एक डिवाइस जो है उसको यूज करते हैं, उस डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहा जाता है, है ना। जो ट्रांजिस्टर है वो एक्चुअली में पीएन जंक्शन डायोड से बनता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या है पहले हम लोग इसको समझते हैं, है ना। जैसे हमारा जो दिमाग होता है, इस दिमाग में लाखों करोड़ों ब्रेन सेल्स होते हैं। वो ब्रेन सेल्स क्या करते हैं, वो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो याद करने में हेल्प करते हैं या सोचने में हेल्प करते हैं, ठीक। बिल्कुल उसी तरह से हमें पता है कि जो कंप्यूटर होता है, जो मोबाइल होता है, वो भी सोचता है, वो भी डेटा स्टोर करता है। जैसे हम याद रखते हैं, मेमोराइज करते हैं, वैसे उसकी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये वही काम करता है जो हमारे दिमाग के लिए ब्रेन सेल्स काम करते हैं। हमारे दिमाग के लिए ब्रेन सेल्स जो काम करते हैं वही काम ये जो ट्रांजिस्टर है ये मोबाइल और कंप्यूटर्स के लिए करता है, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि जस्ट लाइक ब्रेन सेल्स ट्रांजिस्टर हेल्प्स कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स टू मेमोराइज और स्टोर डाटा, ठीक। अब जो ट्रांजिस्टर है इसको हम लोग यूज करते हैं दो तरीके से, जैसा कि मैंने बताया, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर और
एज ए स्विच। तो स्विच के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्विच का मतलब है कि स्टार्ट या ऑन और ऑफ करने के लिए होता है, लेकिन एम्पलीफायर के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो पहले मैं उसके बारे में बताता हूं। तो जैसा कि इसका नाम है एम्पलीफायर, मतलब कि ये एम्पलीफाई करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि जो डायोड होता है, डायोड के दो एंड्स होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, वैसे ही जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें तीन एंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें से एक या दो इनपुट हो सकते हैं, एक आउटपुट हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि एक जगह से अगर थोड़ा सा करंट जो है इंटर कराया जाए तो दूसरे वाले एंड से बहुत ही लार्ज करंट जो है वो बाहर निकलता है, यानी इनपुट बहुत थोड़ा सा हो तो आउटपुट जो है बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने को ही एम्पलीफाई होना कहते हैं, है ना। तो ये जो है ये करंट को एम्पलीफाई कर सकता है, जो ट्रांजिस्टर है कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है कि एक एंड से थोड़ा सा करंट पास कराएंगे तो दूसरे एंड से काफी लार्ज करंट जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी वो करंट जो है एम्पलीफाई हो जाता है। उसी तरह से ये वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है। उसी तरह से अगर करंट और वोल्टेज दोनों को एम्पलीफाई करता है, इसका मतलब कि ये पावर को एम्पलीफाई कर सकता है, एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। तो पहली बार जो ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था वो हियरिंग मशीन में यूज किया गया था। हियरिंग मशीन क्या होता है कि जैसे कोई आदमी जो है बोलता है उसको हमें सुनना है ना। तो मशीन क्या करता है, क्योंकि जो आदमी सुन नहीं सकता है उसको अगर बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड अगर सुनाया जाए तो सुन सकता है ना। तो करता क्या है, वो जो हियरिंग मशीन है वो थोड़ा सा जो साउंड यहां से प्रोड्यूस हुआ है उस साउंड को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना, फिर उसको एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई का मतलब करंट, एनर्जी सबको बड़ा कर देता है। जब बड़ा कर देगा तो बहुत ही तेज साउंड जो है वहां पर मशीन से आउटपुट के फॉर्म में निकलेगा, और वो निकलेगा तो जो आदमी सुन नहीं सकता उसको वो सुनाई देने लगेगा, है ना। तो हियरिंग मशीन में पहली बार ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज किया गया था। तो एम्पलीफायर का जो मतलब मैंने बताया वो ये है कि व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एम्पलीफायर देन स्मॉल इनपुट करेंट एट वन एंड कॉजेस लार्ज आउटपुट करेंट एट अदर एंड, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि आउटपुट करंट जो है बढ़ गया, वैसे वोल्टेज को भी बढ़ाया जा सकता है। हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरह से जो ट्रांजिस्टर है वोल्टेज को भी बढ़ा देता है, वोल्टेज बढ़ा सकता है, करंट बढ़ा सकता है, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट ये क्या होता है, पावर होता है। पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी आउटपुट जो है उसको ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट यूज ऑफ एम्पलीफायर वाज इन हियरिंग मशीन। हियरिंग मशीन में पहली बार यूज किया गया था। दूसरा जो मैंने बताया कि जो ट्रांजिस्टर है उसको स्विच के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो स्विच के बारे में हमें पहले से थोड़ा आइडिया है कि ऑन और ऑफ करना होता है ना। तो व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच देन, जैसे मैंने यहां पर कहा कि एक में थोड़ा सा करंट फ्लो कराते हैं एक एंड से, तो दूसरे एंड से काफी लार्ज करंट जो है वो बाहर निकलता है। कहने का मतलब यह है कि एक एंड से थोड़ा सा करंट फ्लो कराएंगे तो दूसरा एंड जो है एक तरह से ऑन हो गया, है ना।
उसी तरह से अगर ऐसा हो सकता है कि एक एंड से बहुत लार्ज करंट फ्लो कराएं तो दूसरा एंड से बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, थोड़ा सा का मतलब नेग्लेजिबल हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस एंड से बहुत लार्ज करंट फ्लो कराएंगे तो दूसरा एंड तो ऑफ हो गया, ठीक है। तो एक एंड से जो इनपुट है उस पर डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या होगा। इनपुट हम लोग अगर स्मॉल करंट देंगे तो दूसरा वाला जो है ऑन हो जाएगा, यानी लार्ज करंट फ्लो करने लगेगा उधर से। उसी तरह से अगर इधर से लार्ज करंट फ्लो कराते हैं तो वो उधर वाला ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब कि उधर से बहुत ही थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा या नहीं फ्लो करेगा, है ना। तो इस तरह से ये जो है ये स्विच जैसा काम करने लगता है, दूसरे एंड को जो आउटपुट है वो ऑन और ऑफ जैसा काम करता है, यानी कि सिर्फ दो स्टेज में या दो स्टेट में काम करता है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, मतलब लार्ज करंट फ्लो करेगा या जीरो करंट फ्लो करेगा, ऐसे, है ना। देन स्मॉल इनपुट करंट एट वन एंड causes large output current at other end. It means small इनपुट करंट एट वन एंड स्विचेज ऑन द अदर एंड, है ना। स्विचेज ऑन का मतलब यह हुआ कि वहां से लार्ज करंट फ्लो करने लगा तो वो स्विच ऑन हो गया। And similarly, a large current input at one end causes small or negligible output current at other end. It means large input करेंट एट वन एंड स्विचेज ऑफ द अदर एंड। सो ट्रांजिस्टर works only in two states, switch on or switch off, and सिर्फ दो, मतलब कि आउटपुट जो है सिर्फ दो हो सकते हैं, स्विच ऑन हो सकता है या स्विच ऑफ हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि दो जो है दो स्टेज में जो काम कर रहा है उसको या तो ऑन होगा तो कहेंगे कि वन और जीरो, वन और जीरो नंबर के बीच में ये वर्क करता है, और इट वर्क्स एज वन और जीरो। जैसे कि जो दो बाइनरी नंबर होते हैं वन और जीरो, तो स्विच ऑन का मतलब हो गया वन और स्विच ऑफ का मतलब हो गया जीरो। तो ये जो दो स्टेट हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ, उसी स्टेट को हम लोग
ये दो नंबर से डिनोट कर सकते हैं, स्विच ऑन होगा तो मतलब कि वन और स्विच ऑफ होगा तो मतलब कि जीरो। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर के चिप्स में हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, और सब जो है इंडिविजुअली स्विच ऑफ या स्विच ऑन किए जा सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग एम्पलीफायर जैसा यूज कर सकते हैं, उसको स्विच जैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो यूजेज हैं इनको समझने के लिए हमें ट्रांजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो समझना पड़ेगा। हमें ये जानना होगा कि ट्रांजिस्टर आखिर में बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर है उनको बनाने के लिए दो पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है और उसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। तीन टर्मिनल्स का मतलब कि तीन एंड होते हैं, है ना, कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स आर डिवाइसेस मेड बाय यूजिंग टू पीएन जंक्शंस एंड विच हैज थ्री टर्मिनल्स। थ्री टर्मिनल्स का मतलब ये हुआ कि थ्री एंड्स होते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है ना। एक्चुअली में जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले समझते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के बारे में, है ना। देखेंगे यहां पर कि यहां पर तीन डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, एक इमिटर कहलाता है, एक बेस कहलाता है और तीसरा वाला जो है ये कलेक्टर कहलाता है। तो इसमें तीन सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें कि जो इमीटर है ये एक्चुअली में पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जो बेस है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और जो कलेक्टर है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, है ना। तो कह सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर आर मेड by sandwiching an n-type semiconductor between two p-type सेमीकंडक्टर्स। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक पी टाइप यहां पर है, एक पी टाइप यहां पर है और दोनों के बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखा गया है। इसमें से जो वन पार्ट विच इज हैवीली डोप्ड, जैसा कि मैंने बताया था कि डोपिंग एक प्रोसेस है इम्प्यूरिटी मिलाने का, तो हेवली डोप्ड का मतलब है उसमें खूब सारी इम्प्यूरिटी मिला देंगे। खूब सारी इम्प्यूरिटी मिलाने से क्या होगा कि इसमें चार्ज कैरियर्स का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब कि उसमें जो, जैसे मैं बात करूं इमीटर की, मैं इमीटर के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसमें होल्स जो है, चूंकि ये पी टाइप है तो होल्स बहुत ही ज्यादा नंबर्स में होते हैं, यानी चार्ज कैरियर्स जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसमें कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, है ना। हेवीली डोप्ड एंड इट इज पी टाइप कॉल्ड इमीटर। ठीक, बीच में जो है ये जिसका थीन लेयर, इसको हम लोग कहते हैं बेस, मिडिल पार्ट
पार्ट इज वेरी थिन एंड इट इज लाइटली डोप्ड. लाइटली डोप्ड का मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम इम्प्योरिटी मिलाया गया है, तो चार्ज कैरियर्स का जो नंबर है वो बहुत ही कम होगा. स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इज एन टाइप एंड कॉल्ड बेस. इसको बेस कहा जाता है. जो हेवली डोप्ड होता है उसको इमीटर कहा जाता है, है ना. मिडिल पार्ट इज वेरी थिन एंड इट इज लाइटली डोप्ड, इज ऑल्सो एन टाइप एंड कॉल्ड बेस, ठीक है. और जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट इज मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड एंड इट इज पी टाइप कॉल्ड कलेक्टर, है ना. ये जो तीसरा वाला है इसको कलेक्टर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है. तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जिसमें चार्ज कैरियर बहुत ही ज्यादा है, जैसे इसमें बहुत ही ज्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स हैं. चार्ज कैरियर इसमें निगेटिव वाले होंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें चार्ज कैरियर जो होंगे वो होल्स होंगे. तो जब इसमें से करंट फ्लो कराया जाएगा तो इस पार्ट में चूंकि होल्स फ्लो करेंगे और होल्स बहुत ही ज्यादा नंबर में है, तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इसमें करंट बहुत ही कम फ्लो करेगा, ठीक. इसमें जो है जो करंट होगा वो बेस से थोड़ा ज्यादा और इमीटर से थोड़ा कम फ्लो करेगा. मतलब करंट का जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैरियर्स कितने हैं, है ना. और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि अगर एक जगह से कम करंट फ्लो कराएं तो दूसरे एंड से ज्यादा करंट इसमें से निकल सकता है. और इसीलिए जो ट्रांजिस्टर है इसको एम्पलीफायर जैसा या स्विच जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इमीटर और बेस का जो जंक्शन है ये जो है इसका एरिया काफी कम है, और बेस कलेक्टर का जो एरिया है ये वाला एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो इस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्यादा है. ये जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा करंट जो यहां से जो जाएगा या चार्ज करियर जो यहां से इसमें क्रॉस करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करियर इसमें क्रॉस कर जाए, इधर से कहीं नहीं निकले. इधर भी कोई वायर होता है या टर्मिनल होता है, इधर से भी निकल सकते हैं, लेकिन हमें क्या कराना होता है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज करियर को इस एंड से इस एंड में या इस पार्ट से इस पार्ट में क्रॉस कराना होता है चार्ज करियर्स को. इसलिए इसको बहुत एक तो पतला लेयर लिया जाता है जिससे कि इधर जाने में इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, इधर जल्दी पहुंच जाएंगे, उसमें जल्दी पार कर जाएंगे, ठीक है. इसलिए एक तो ये जो लेयर है ये पतला रखा जाता है और ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा रखा जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज करियर जो यहां से इंटर करें वो इसमें इंटर कर जाए, ठीक है. तो इसमें कह सकते हैं कि इमीटर या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एट इमीटर बेस जंक्शन इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एट कलेक्टर बेस जंक्शन, है ना. यहां पर देखेंगे कि दो पीएन जंक्शन है, ये वाला जंक्शन जो है पीएन जंक्शन, एक पी टाइप एक एन टाइप, और यहां भी
एक पीएन जंक्शन है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, तो दो पीएन जंक्शन को मिला करके एक ट्रांजिस्टर बनता है। तो जिस तरह से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बना है, बिल्कुल उसी तरीके का एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। इसमें जो इमीटर है ये एन टाइप होता है, जो बेस है वो पी टाइप होता है, और जो कलेक्टर है वो एन टाइप होता है। यानी दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर देंगे तो ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है ये बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। यहां भी जो इमीटर है वो हेवली डोप्ड होता है, इमीटर इज पी टाइप एंड हेवली डोप्ड। उसी तरह से जो बेस है, बेस यहां पर इमीटर यहां पर एन टाइप है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इमीटर एन टाइप है, बेस पी टाइप है, तो बेस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इट इज लाइटली डोप्ड। जैसा कि उसमें बेस जो था वो लाइटली डोप्ड था, इसमें भी बेस लाइटली डोप्ड होता है, उसमें इमीटर जो है हेवली डोप्ड था, इसमें भी इमीटर जो है हेवली डोप्ड होता है, एंड कलेक्टर इज एन टाइप एंड इट इज मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी जो कलेक्टर था वो मॉडरेटली डोप्ड था, लेकिन वो उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर था, इसमें जो है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहां भी देखेंगे कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है इमीटर बेस का वो कम है, और कलेक्टर बेस का एरिया जो है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ज्यादा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एट इमीटर बेस जंक्शन इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एट कलेक्टर बेस जंक्शन। जिस तरह से पीएन जंक्शन डायोड को जब हम लोग सर्किट में यूज करते हैं तो उसका एक सिंबल यूज करते हैं, कुछ इस तरह का सिंबल मैंने बताया था, है ना, ये डायोड का सिंबल है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो ट्रांजिस्टर है, जब इसको किसी सर्किट में यूज करते हैं तो इसका भी सिंबल यूज करते हैं। इसका सिंबल जो ऐसा होता है, जैसे देखेंगे ये तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये जो मैंने सिंबल बनाया है यहां पर, ये सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ठीक है, इसमें देखेंगे कि चूंकि इमीटर बेस जंक्शन जो है ये हमेशा फॉरवर्ड बेस्ड होता है, जब हम लोग इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बेस्ड होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो रिवर्स्ड बेस्ड होता है। तो इसमें करंट जो है बहुत ही कम या नेग्लिजिबल फ्लो करता है, जबकि इसमें करंट हमेशा ज्यादा फ्लो करता है। तो ये जो सिंबल है, देखेंगे कि जो इमीटर ये है, ई मतलब इमीटर, बी बेस हो गया और सी जंक्शन हो गया, सी जो है कलेक्टर हो गया। तो इमीटर और बेस वाला जो लाइन है इसमें करंट फ्लो करता हुआ दिखाया गया है। क्योंकि इमीटर पी टाइप होता है और बेस एन टाइप होता है, तो फॉरवर्ड बायस्ड होने पर पी से एन की तरफ करंट फ्लो करेगा, यानी इमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो इसमें सिंबल दिखाया गया है करंट का ई से बी की तरफ। जबकि ये वाला देखेंगे, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है,
ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, देखने में बस एक ही जैसा है, जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है ना। तो इसमें करंट जो है बेस से जो है इमीटर की तरफ जा रहा है। इसमें देखेंगे जो बेस है वो पी टाइप है और इमीटर जो है ये एन टाइप है। जब ये फॉरवर्ड ब्यास्ट होगा तो करंट जो है पी से एन की तरफ जाना चाहिए, यानी बेस से इमीटर की तरफ जाना चाहिए, इसीलिए करंट जो है बेस से इमीटर की तरफ दिखाया गया है। जैसा मैंने कहा कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि तीन टर्मिनल भी दिखाए गए। एक टर्मिनल ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। उसी तरह से यहां भी तीन टर्मिनल है, एक ये और एक ये। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल में सिर्फ जो है ये करंट के डायरेक्शन का फर्क है, बाकी जो है बिल्कुल एक जैसा है। तो ये जो सिंबल है हम लोग हमेशा यूज करेंगे अगर किसी ट्रांजिस्टर को सर्किट में दिखाते हैं।